देखो शादी से पहले हर माता पिता अपनी पुत्री को जहाँ विवाह करते हैं कन्यादान से पहले जरूर देखते हैं कि लड़का क्या करता होगा, कैसा होगा, है ना? देखते हैं कि नहीं? सबसे ज्यादा क्या देखते हैं? क्या? घर, हाँ, संस्कार। वाह जी वाह, पहली बार ऐसे लोग मिले जो संस्कार से शादी कर रहे हैं। बजाओ इनके लिए जोरदार तालियां। संस्कार वालों से, ठीक है? नहीं तो आजकल के लोग विवाह से पहले ये जरूर पूछते हैं कि सरकारी नौकरी है कि नहीं। अगर सरकारी जॉब है तो शादी पक्की। लड़का अगर कुछ कमाता नहीं हो तो बार बार देखने के लिए भी आते हैं, लेकिन बाद में कहते हैं कि हम सोच के बताएंगे। आपका लड़का अच्छा तो है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत यहीं पर आ गया कि काम कुछ नहीं करता, कमाता नहीं, तो हमारी बेटी को क्या खिलाएगा? चलिए ये देख लिया, अच्छी बात है। कुछ लोग घर देखते हैं, कुछ लोग नौकरी देखते हैं, कितना धन है, कितना कमाता है, कितना खर्च करता है, ये सब देखते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो संस्कारों को देखते हैं। लेकिन विवाह करना है तो ऐसे लड़का को ढूंढो, भले ही कम कमाता हो, भले ही अच्छा नौकरी नहीं हो, अगर उसके अंदर अच्छे गुण है, अच्छे संस्कार है, तो आपकी बेटी को जरूर पालेगा और आपकी बेटी को सम्मान देगा, इज्जत देगा। इसलिए दामाद ढूंढना है तो संस्कारवान ढूंढो। जब वाला तो क्या है, अब ऐसा पता चले तो क्या करोगे? कमाता तो महीनों में लाखों कमाता है, लेकिन रात को शराब पी करके आता है, बेटी को मारता है। अगर ससुराल में जाकर के आपकी बेटी रोती है, उसके नेत्र से जितने आंसू निकलते हैं ना, वो आंसू आपको श्राप देगा। अगर ससुराल में बेटी रोती रहती है तो इधर मायके में माँ बाप कभी भी खुश नहीं रह सकते। अपनी बेटी जहाँ दुख में है, वहां माता पिता कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। धन कम होगा तो थोड़ा बहुत आप दोगे, वो स्वयं समझदार, आजकल के बच्चे स्वयं समझदार होते हैं। अपने बच्चों को इतना योग्य बनाओ, इतना पढ़ाओ, वो दो पैसे के लिए किसी पर निर्भर होना ना पड़े, खुद अपने लिए कमा सके, इतना योग्य बनाइए। पढ़ाई कराना जरूरी है। और जो लोग दहेज दहेज बोलते हैं ना, दहेज से मिला धन कुछ दिन तो चलेगा, दहेज में आपने ज्यादा से ज्यादा 10-20-50 लाख ले लिया, और 50 लाख जिंदगी भर तो काम नहीं आएगा। जीवन भर काम, अच्छा संस्कार आएगा। धन दौलत तो एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन आपके पास में संस्कार है तो आप पूरे जीवन भर सुखी रह पाओगे। प्यार से बोल दीजिए ना। केवल दामाद ही संस्कारवान नहीं, बहू भी संस्कारी ढूंढो। इसके लिए अपने घर की लड़की को सुंदर संस्कार दो, अपने घर के लड़का को सुंदर संस्कार दो। अगर आप ऐसा करते हैं, संस्कार बच्चों को देते हैं, बहू ढूंढो तो संस्कारवान ढूंढो, दामाद ढूंढो तो संस्कारवान ढूंढो, आपका घर में, आपके घर में सदैव सुख शांति बनी रहेगी। मस्ती में बोल दीजिए ना।